नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। बिहार लोकसभा चुनाव में आपका फिर से स्वागत हिमांशी न्यूज की तरफ से। लेकिन आइए, बिहार लोकसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता आमतौर पर यह बोलते आ रहे हैं या सोशल मीडिया पर अपना पोस्टर वायरल कर रहे हैं कि भाजपा 40 में 40 सीट जीत रही है। लेकिन बिहार के ही कुछ ऐसा शख्सियत जो अपने आप को सुपरस्टार मानते हैं, बल्कि उनके जनता भी सुपरस्टार के दर्जा देते हैं, तीन शख्सियत का नाम सामने तो आया है, लेकिन वो चुनाव न भाजपा से लड़ रहे हैं, न कांग्रेस से लड़ रहे हैं, न अन्य किसी पार्टी से लड़ रहे हैं। वो निर्दलीय लड़ने के लिए सामने आ गए हैं। तो आपको हम बता दें कि रिपोर्टर का सुपरस्टार मनीष कश्यप और उसके बाद भोजपुरी का सुपरस्टार गुंजन सिंह और पवन सिंह के बारे में तो आप खैर जानते ही थे कि आसनसोल से उनको टिकट मिला, लेकिन वो वापस कर दिए। कहा जाता है कि भाजपा से टिकट ले लेना ये खेल मियां का टोपी नहीं है, लेकिन फिर भी पवन सिंह को मन में क्या विचार आया कि भाजपा को टिकट वो आसानी रूप से वापस कर दिए। और उनका कहना था कि हम आरा से लड़ेंगे, हमको आरा से टिकट मिलना जाए। उसी प्रकार सुपरस्टार गुंजन सिंह कह रहे थे कि इसे हमको नवादा से टिकट मिलना चाहिए, हम नवादा से लड़ेंगे, लेकिन भाजपा उनको भी टिकट नहीं दे पाई। और उसके बाद रिपोर्टर का यानी कि सोशल मीडिया का सुपरस्टार मनीष कश्यप जी बोल रहे थे कि हमें पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया से टिकट मिलना चाहिए, तो भाजपा उनको भी टिकट न दे के किसी दूसरे को टिकट दे दी। तो आइए, हम पहले ये तीन जगह पर जो इतना दिग्गज सुपरस्टार लोग जो सोच रहे थे कि हमको टिकट मिले, आखिर किनको मिला, आखिर उनका व्यक्तित्व जानकारी क्या है, आइए हम पहले हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि बेतिया से जो मनीष कश्यप कह रहे थे कि हमको टिकट मिलना चाहिए, तो उनको न मिलके संजय जायसवाल जी को मिला जो भाजपा से हैं, उनको टिकट दे दिया गया है पश्चिमी चंपारण से। और उसके बाद गुंजन सिंह बोल रहे थे कि हम नवादा से लड़ेंगे, तो गुंजन सिंह को नहीं देकर भाजपा ने विवेक ठाकुर जी को टिकट दे दिया है, यानी कि विवेक ठाकुर जी भाजपा से नवादा जिला से लड़ेंगे। और उसके बाद पवन सिंह आरा से चाह रहे थे कि हमको आरा से टिकट मिलना चाहिए, तो आरा से भी पवन सिंह को टिकट न देके आरके सिंह को भाजपा ने टिकट दे दिया है। तो चलिए, तो जो महत्वपूर्ण जानकारी था वो हम आपको देने के प्रयास करें। लेकिन ये जो पवन सिंह के तो अभी तक किसी भी प्रकार के था पता नहीं चल पा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे कि क्या लड़ेंगे, कौन पार्टी से लड़ेंगे। आरा से तो खैर उनको टिकट मिला नहीं भाजपा के, तो हो सकता है वो नहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दो सुपरस्टार जो सोशल मीडिया के सुपरस्टार है मनीष कश्यप, वो निर्दलीय पूरा मतलब होशो आवास में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पूरे बेतिया जिला में वो घर घर जाकर अपने रिपोर्टर को भेजकर जो भी उनके शुभचिंतक है उनके साथ रहकर लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि इस बार अगर आप अमीरों के चक्कर में पड़िएगा तो ठीक जितना दिनों से जब से ये नेताओं का शासन हुआ है, देश में हो या विदेश में हो या बिहार में हो, नेताओं का शासन हुआ है और आप लोग को गरीबों को हमेशा दबदबाने का काम किया जाता है। हो सकता है कि इस बार भी अगर आपको फिर से वह लालच दिया जाए, बड़े बड़े नेता आएंगे जो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और आपको बाय बाय टाटा करेंगे और उसके बाद वोट मांगेंगे, तो वो पार्टी पॉलिटिक्स करके आप उनको वोट दे दीजिएगा तो फिर से आप लोगों का वही बदतर हाल हो जाएगा। मनीष कश्यप का कहना है कि इस बार गरीब का बेटा खड़ा हुआ है, गरीब को आप वोट दीजिए। ठीक उसी प्रकार नवादा से गुंजन सिंह भी पीछे रहने वाले नहीं है, हालांकि दोनों आदमी का ताल मेल जो होता है दोनों आदमी का बहुत ही अच्छा खासा से मिलता है। तो मनीष कश्यप भी गुंजन सिंह के जिला नवादा में जाकर उनका भी प्रचार प्रसार किया और गुंजन सिंह भी अपना पूरे होशो हवास में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। अब जीत हार के निर्णय तो जनता करती है और जनता को इस बार विश्वास होना चाहिए और विश्वास हमेशा कायम रहना चाहिए कि हमेशा तो आप गरीबों अमीरों के चक्कर में पड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार क्या होता है कि मनीष कश्यप को ही जनता का वोट दे के उनको संसद में बैठाते हैं और गरीबों का मुद्दा उठाने के लिए उनका आवाज बनते हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप का सबसे बड़ा ऐलान ये बात का किया गया है कि पूरे बिहार में 10 सीट पर निर्दलीय चुनाव एक ऐसा दिग्गज आदमी लड़ेंगे जो मनीष कश्यप को मानने वाले हैं और मनीष कश्यप उनको मानने वाले हैं। आप सोचिए कि 10 में से अगर 5 सीट भी निर्दलीय जीतकर एक ईमानदारों का टोली जब संसद में बैठेगा तो संसद में किस प्रकार का आवाज उठेगा और जो भी गरीब का आवाज नहीं बन पाते हैं नेता लोग, उनको आवाज संसद में गूंजेगा तो कितना बड़ा भौचाल आएगा। दूसरी बात हम आपको बता दें कि एक ऐसा रिपोर्टर जो बाहर एक बहुत ही अच्छा छवि के साथ कभी नाली पर तो कभी रोड पर तो कभी गलत सिस्टम पर तो कभी भ्रष्टाचारी पर हमेशा जो रिपोर्टर आवाज उठाते आए हैं, आप सोचिए कि कोई भी नेता बाहर से तो आपको हाथ जोड़कर वोट मांग लेते हैं, हेलीकॉप्टर से उतर के वोट मांग लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार उनका गद्दी पर बैठते हैं, सिस्टम में जाते हैं, संसद में बैठने का उनको अधिकार मिल जाता है, उसके बाद गद्दी संभालने लगते हैं तो वो आखिर बदल जाते हैं क्यों? तो इसी को खुलासा करने के लिए मनीष कश्यप रिपोर्टर को आप लोग भी वहां पर भेजने का काम करें। जो भी बेतिया के लोग हैं, जो भी उनके संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, आप लोग ये जान लीजिए कि इस बार रिपोर्टर को भेजना है सिस्टम में, कि सिस्टम में जाकर ये पता करने के लिए, जैसे कि सीता माता को पता करने के लिए हनुमान जी गए थे, अगर हनुमान जी सीता माता को खोज नहीं किए हुए रहते तो राम जी का ये विचार नहीं आता कि हमको लंका में कैसे जाना है, नदी कैसे पार करना है, नदी पार करने के लिए हमको वहां पे राम सेतु पुल का निर्माण करना है। तो ठीक उसी प्रकार बजरंग
वली के रूप में मनीष कश्यप को संसद में बैठाया जाए और वहां से उनको जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर जाके झांक को दिखाया जाए कि आखिर सिस्टम गड़बड़ क्यों है। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि अगर मनीष कश्यप जी जीतने के बाद इस प्रकार का नहीं कर पाएंगे तो मनीष कश्यप जी का आपको लगता होगा कि सारा रिपोर्टर मनीष कश्यप जी के लिए बोलता है, ऐसी बात नहीं है। तो उसी प्रकार फुल विरोध भी उनका किया जाएगा कि आप भी तो जीते और आप क्या कर लिए, उसी प्रकार आप लोग भी एकदम शांति मुन से जाइए। हालांकि आपका मत है, कोई जोर जबरदस्ती से किसी को वोट नहीं देना है, अपना सोचिए और विचारिए। और गरीबों के लिए, जो गरीबों के लिए आज तक काम किया है, चाहे पूरे बिहार की बात बोल रहे हैं कि जो गरीबों के लिए काम किया है वो गरीब को ही वोट दीजिए, जो गरीब के बारे में सोचता है वो गरीब को वोट दीजिए। चलिए वीडियो को लंबा नहीं ले जाते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से नए अपडेट के साथ आपके साथ मैं मिलूंगा, जब तक के लिए जय हिंद।